हाँ तो भाई, तो कैसे उम्मीद है कि आप लोग यार बढ़िया होंगे, आपकी लाइफ यार नंबर वन की चल रही होगी। तो देखो, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और लगभग यार 3 दिन बाद बात करने वाले हैं, एक नए सीरीज के बारे में जो एक तरीके से डॉक्यूमेंट्री भी है, पर फिलहाल मजा आया देख के, तो इसके बारे में बात करना जरूरी है और आपको बताना जरूरी है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन सब बातों के बारे में। फिर चलो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का रिव्यू। उससे पहले इसका नाम बता दें आपको, तो नाम इसका क्राइम स्टोरी। तो फिर चलो बढ़ते अपनी वीडियो को, और पर इस इंट्रो के बाद देखो यार, इसमें स्टार कास्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, पर फिर भी अगर आपको जानना है तो आपके सामने स्टार कास्ट के नाम आ गए होंगे, आप रोक के वीडियो को पढ़ सकते हो। अब बात निकल जाती है कि इसकी स्टोरी क्या है, क्या कहानी दिखाती है हमें। तो देखो, इसमें यार 4 स्टोरी दिखाई जाती है शॉर्ट शॉर्ट, जिसमें आपको यार अलग अलग कहानी देखने को मिल जाएंगी, कुछ ऐसी चीजों के ऊपर जिसको यार पुलिस ने बड़ी मेहनत से सॉल्व किया था, बेंगलोर पुलिस ने, और वही स्टोरी आपस रखी जाती है आपके सामने। अब उसको मैं यार आपके सामने पॉइंट नहीं रख सकता, अगर पॉइंट रख दूंगा तो पूरी तरीके से आपके सामने स्पॉइलर हो जाएगा हर स्टोरी का, और आपका मजा खराब हो सकता है। बस इतना जरूर लो कि कुछ ऐसा होता है जिसको यार पुलिस जांच करती है, और रियल में यार ऐसी बातें हुई थी, और उन्हीं से इंस्पायर होके ये पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, तो आपको ये सब देखने को मिलता है। पर अगर बात निकल के आती है कि आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, तो देखो भाई लोग, यार स्टोरी को जिस तरीके से हमारे सामने रखा गया है, जिस स्टाइल में, वो यार काफी हद तक इम्प्रेसिव था, पसंद आने वाला है। उसमें कुछ ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो आपको इम्प्रेस आएंगी। आप मेरे चैनल पर आकर देख लेना, मैंने अभी तक एक भी डॉक्यूमेंट्री का रिव्यू नहीं किया है, रीजन है कि वो मुझे पसंद नहीं आती ज्यादा। पर हाँ, इसको जिस तरीके से लोगों ने प्रेजेंट किया स्टोरी को, जहाँ जो चीजें दिखाई है वो काफी ज्यादा अच्छी है, और जिस तरीके से बेंगलोर पुलिस से पूरी कहानी को नरेट करती है, वो भी काफी हद तक इम्प्रेसिव था, वो भी यार काफी हद तक इम्प्रेसिव था, पसंद आया, मजा आया देख के उसको। इससे अलग जो स्क्रीन प्ले है इसका पूरा, कहीं भी आपको बोर नहीं करने वाला है, कहीं भी आपको लेंथी नहीं लगेगा कि यार फालतू में इन लोगों ने स्टोरी को खींचा है या कुछ गलत दिखा रहे हैं, ऐसी कोई बात आपके सामने निकल के नहीं आने वाली है, जो इस सीरीज के लिए सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। और आपको पसंद आने वाली है सब कहानियां, लगभग यार पूरे सीरीज की लेंथ यार 3 घंटे प्लस में है, और 3 घंटे आपके कब पार हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। कुछ अच्छा देखने को मिल जाता है, और कुछ अच्छे बैकग्राउंड स्कोर के साथ। हाँ, जो इसका बैकग्राउंड स्कोर है वो भी यार काफी तक इम्प्रेसिव लगा। उसके बाद अगर बात कर लें एक्टिंग के बारे में, तो जो भी हमें एक्टर देखने को मिले हैं हर कहानी में, उन लोगों का यार अच्छा लगता है, इम्प्रेस करता है हमें यार, सारी कहानियां रियल लगती हैं। स्टोरी एक तो इंडिया से उठाई गई है, और जिस माहौल से उठाई गई है ना, उससे आप लोग यार कनेक्ट कर लोगे और 100% कर लोगे। कुछ जगह आपको इमोशनली भी फील होगा, और आपको यार कुछ जगह प्राउड फील भी होगा पुलिस पर, रीजन है कि जिस तरीके से वो लोग यार मेहनत करते हैं, और साथ में उनकी भी लाइफ है, उनकी भी यार प्राइवेसी है, साथ में उनकी फैमिली है, वो सब चीजों को साइड में रखकर, तो इन सब चीजों को देखकर आपको यार बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है पुलिस के ऊपर। और ये बहुत बड़ी एक अच्छी बात है इस पूरे सीरीज की, कि ये लोग यार पुलिस वालों की एक असली जिंदगी दिखाते हैं। तो ओवरऑल बात करना हो पूरे सीरीज के बारे में, और यही करते हैं वीडियो को लास्ट भी, तो सीरीज यार काफी ज्यादा अच्छी लगी, इम्प्रेस किया, मजा आया देख के, आपको भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपको इस टाइप की सीरीज देखना पसंद है, खासतौर पर अगर डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है, कुछ अच्छा देखना पसंद है, तो जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो, हिंदी में मिल जाएगी, तो फिर क्या चाहिए, फिर जाओ देखो, एंजॉय करो। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो लाइक कर दो, चैनल सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लो, कुछ बोलना हो जाकर बता सकते हो, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।